तो आइए बढ़ते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपने स्मार्ट शंकर मूवी तो देखी ही होगी। हाँ तो कुछ वैसे ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है न्यूरालिंक चिप के बारे में। तो जैसे आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे और स्मार्ट शंकर मूवी में भी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मानूँगा, तो वैसे ही ये न्यूरालिंक काम करता है कि आपके ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट किया जाएगा। जैसा एलोन मस्क ने कहा है कि एक छोटा सा चिप रहेगा। Fitbit in your skull with tiny wires. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। हाँ तो ये सही बात है। और एलोन मस्क वही इंसान है जो पृथ्वीवासी को मार्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एलोन मस्क सर को एक सैल्यूट है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं जो हम ह्यूमन बींग को एक सुपर ह्यूमन बींग में कन्वर्ट करने में आसानी देगी। तो जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा बहुत सारे मूवीज़ में, चिप लगाने के बाद वो इंसान इंसान नहीं रहता, एक सुपर इंसान बन जाता। तो कुछ ऐसे ही ये चिप का भी रोल रहेगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारे ब्रेन में ऐसी चिप अगर लग गई तो क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा। ये चिप आपके ब्रेन से इंटरफेस करने के लिए बनेगी। और एलोन मस्क का कहना है कि आप जो भी सोचेंगे वो काम हो जाएगा। ये चिप लगने के बाद आप जो भी सोचेंगे डिजिटली, वो अगर किसी डेस्कटॉप से या मॉनिटर से कनेक्ट है तो वो हो जाएगा। न्यूरालिंक मार्केट में कब तक लॉन्च होगा? अब ये बात तो एलोन मस्क को ही मालूम होगी कि कब वो लॉन्च करेगा और कब ये मार्केट में आएगी। तो अगर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ 2026 तक आ जाना चाहिए, पर अब वो कितना टाइम ले रहे हैं तो वो उन्हीं को बेहतर मालूम होगा। हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं कि न्यूरालिंक कैसे काम करेगा, न्यूरालिंक क्या है, यही सब बता सकते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं। तो आइए जानते हैं, ये वो मशीन है जो बिना एनेस्थीसिया विदाउट ब्लीडिंग आपकी सर्जरी करेगी 1 घंटे के अंदर। उसके बाद फिर क्या, आप एक सुपर ह्यूमन बन गए। जब ये चिप आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो आपके सुनने की पावर, देखने की पावर, लैंग्वेजेस, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर बन जाएगा। आप समझ सकते हो कि क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताना मेरे दोस्तों कि क्या होगा अगर ये चिप ह्यूमन में इम्प्लांट हो जाए तो। सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे, मज़ा आया। ये न्यूरालिंक चिप बहुत सारे ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि आईसाइट, पैरालाइज, हियरिंग पावर और कुछ ऐसे मेंटलों का इलाज। ये आप क्या सोच रहे हो? और आप अपने ब्रेन में सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो, सुनने की पावर बढ़ा सकते हो और कहीं भी टेलीपोर्ट तो नहीं हो सकते हो, ये ज़्यादा हो जाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन अगर सोचो आपके ब्रेन में ऐसी चिप इम्प्लांट हो गई तो क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।